you're watching Exposed India. सोशल ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ की एक टीम ने नोएडा में 37 अरब की ऑनलाइन ठगी के मामले का भंडाफोड़ किया है। यूपी एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 63 में एक कंपनी चलाई जा रही थी, जो अब तक निवेश के मामले में 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ठग चुकी है। कंपनी करीब 700 लोगों का पैसा ठग चुकी है। एसटीएफ ने मामले में इस रैकेट के सरगना और दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा कंपनी का खाता भी सीज करवा दिया गया है, जिसमें 500 करोड़ रुपए जमा है। बहरहाल आपको बता दें कि अबलेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने करीब 7 लाख लोगों से एक पोंजी स्कीम के तहत 3700 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करा लिया। साथ ही ईडी से बचने के लिए ये फ्रॉड कंपनी वर्चुअल वर्ल्ड में लगातार नाम बदल रही थी। इन्होंने पहले socialtrade.biz, फिर freehub.com से intmart.com से friendsup.com और फिर 3w.com के नाम से ये कंपनी फ्रॉड अकाउंट चला रही थी। इस गैंग को यूपीएसटीएफ ने जब प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी के बाद आज इसके मेंबर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, और अरेस्ट होने के बाद इस पूरे प्लान से जुड़े काफ़ी सीजर्स किए हैं। करीब 524 करोड़ रुपए अकाउंट में फ्रीज करने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ को लेटर इशू किए गए हैं। ये जो पूरी स्कीम है, ये कई नियमों के अंतर्गत ये प्रतिबंधित है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है द प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978। कैसे होता था फर्जीवाड़ा? socialtrade.biz के पोर्टल से जुड़ने के लिए आपको 5,750 रुपए से लेकर 57,500 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा कराने होते थे। उसके बाद कंपनी मेंबर को एक यूजर आईडी देती थी, जिसको लॉगिन करने पर कुछ पेज लाइक करने होते थे। इसके बदले कंपनी हर एक मेंबर को हर क्लिक पर 5 रुपए घर बैठे ही देती थी। उसके बाद हर मेंबर को अपने नीचे 2 और लोगों को जोड़ना होता था, जिसके बाद मेंबर को एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।